हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला एज 40 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं। और ये चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको एक बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन से ना एक साउंड क्रिएट होगा, एक साउंड की आवाज़ आएगी और साथ ही साथ आपके फ़ोन से एक वाइब्रेशन भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये जो चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग है ये आपकी इनेबल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको ना ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ये चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये रहा चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है, इससे क्या होगा आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।